हरि प्रिये वृंदाई तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोजों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग कथा सुनेंगे श्रील प्रभुपाद को एक भक्त ने प्रश्न किया है। उनका क्या प्रश्न है? कहते हम लोग जो ये हरि नाम करते हैं ये जो हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग ये हरि नाम करते हैं ये हरि नाम है क्या चीज़? ये हरि नाम क्यों करते हैं? ये हरि नाम करने से हमें क्या मिलेगा? हैं किसने उन्होंने प्रश्न किया है तो प्रभुपाद इसको उत्तर देते हैं। कहते ये जो हरि नाम हम करते हैं कहते हरि नाम अचेतन पदार्थ नन किंवा कल्पित वस्तु नन दृश्य पदार्थ विशेष नन दृश्य जगत रे कोन वस्तु नन। यहाँ पर कह रहे हैं ये जो हरि नाम हम कर रहे हैं ये कोई अचेतन वस्तु नहीं है ये चेतनता है। हाँ ये चेतनता है लेकिन जगत का जैसे हम लोग बात करते हैं आपस में हैं हम आपस में बात करते हैं। अगर हम बोले हमारे पांडे प्रभु जी क्या नाम आपका बोलो यशोदा नंदन दास। जसोदा नंदन दास। अगर हम बोल दे दशोदा नंदन दास प्रभु जी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं सबको ऊपर दया करते हैं बड़े दानी हैं दूसरों को कल्याण करते शब्द है ना ये शब्द खुश कर देता है ना। अगर संसार में अगर थोड़ी इधर उधर कोई बात बोल दे जैसे द्रौपदी दुर्योधन को देख करके जब बोले अंधा का बेटा अंधा होता है पूरा महाभारत हो गया पूरी केवल इतनी शब्द से पूरी ये महाभारत हो गई घर में पूरा के पूरा। और थोड़ी सी किसको मीठा शब्द बोल बस घर में सब खुश है सबके सब प्रसन्न है। कहते जब इस साधारण जगत में ये जड़ शब्द में अगर इतनी शक्ति हो फिर भगवान के नाम में कितनी शक्ति नहीं हो बोलो। इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए कहते ये जो भगवान का नाम है कहते ये कोई अचेतन पशु नहीं है ये साक्षात चेतनता है। भगवान का नाम चेतनता है। कहते कोई कल्पित करके अपना मनमानी भगवान का नाम को बोल दिए बोले नहीं ये जो भगवान का जो नाम है ये साक्षात भगवान से ये अभिन्न वस्तु है। इसलिए बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना। ये एक श्लोक में भगवान का नाम में कितने शक्ति इसमें कहते हैं। कहते जो भगवान का नाम है चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या? जो मांगोगे हरि नाम से आपको वही मिलेगा। ये जो हम हरि नाम करते हैं संत लोग कहते थे अभी जैसे अंबानी टाटा बिरला हैं ये जो इतने पैसा भैया उसने ऐसे क्या कर्म किया था इतना पैसा मिल रहा है। किसी व्यक्ति को दिन भर परिश्रम करते करते भोजन नहीं मिलता है लेकिन इन इन लोगों ने ऐसे कौन सा कर्म किया जो इतने पैसा इनको मिला? कितना पैसा कहाँ पड़ा होगा इनको याद ही नहीं होगा मिला कहाँ से। उन्होंने इतना क्या दान पुण्य किया था
जो कि इतना मिल गया तो भक्त लोग कहते हैं भगवान का नाम है ना वो जरूर कुछ ना कुछ देगा। अगर शुद्ध रूप में हरिनाम करेंगे निष्काम भाव से सेवा के लिए हरिनाम क्या देगा, भगवान का धाम गोलोक वृंदावन ठाकुर की चरण की भक्ति देगी। अगर भगवान का नाम को कामना वासना को साथ में करेंगे, ठाकुर जी हमें ये चाहिए, ठाकुर जी हम ये चाहिए, ठाकुर जी हम ये चाहिए, फिर तो ये जो हरिनाम है ना फिर तो ये संसार की वस्तु दे देगा और इतने पैसा देगा, इतने पैसा देगा जो सोच नहीं सकते हो, इतने पैसा देगा, क्योंकि भगवान का नाम कभी वृथा नहीं जाएगा। हरिनाम जो कर रहे हैं ना ये कभी वृथा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ दे करके छोड़ेगा। इसलिए जो ठाकुर का सेवा पूजा किए कामना वासना के साथ में, ठाकुर जी फिर इतने धन दौलत, बोले मेरी सेवा करके धन दौलत मांग रहा था ना, ले कितना ले सकते हो ले, हाँ लो जितना ले सकते हो तुम पैसा को लो, लेकिन वो बंधन का कारण बन जाता है, फिर संसार की ये बंधन का कारण बन जाती है। लेकिन जो भक्ति जो प्रेम है ठाकुर को, जो सेवा जिसमें आनंद है, अंबानी कंपनी माना को बोलो रात को तेरे को नींद आती है, पूछ लो, शायद गोली खा कर कहीं सोना पड़ता होगा, हम लोग तो आसानी से सो जाते हो, कोई टेंशन नहीं, मतलब ये जो दुनिया की जो वस्तु है ना कभी कभी तुम्हें दुख ही दे देता है ये वस्तु है, है? इसलिए यहाँ पर कहते जो भगवान का जो नाम है ये कोई कल्पित वस्तु नहीं, कोई मनमानी में भगवान के नाम कर दिया, नहीं ये कल्पित नहीं। कहते जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबसे पहले किसकी मुंह से ये प्रभु का नाम निकली बता सकते हो, किसने किसको मुंह से, राधा रानी की मुंह से, कृष्ण विरह में सर्वप्रथम श्री राधा रानी की मुंह से ये भगवान का ये नाम निकला। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते ये कोई जड़ जगत का कोई वस्तु नहीं है, हैं कहते ये जो भगवान का नाम भगव अवतरा साक्षात भगवान, कहते भगवान ही कलि युग में अपना नाम रूप में कलि युग में ठाकुर जी ही आए। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं ये कलि युग में मैं दो रूप में प्रकट होऊंगा, कितने रूप में क्या क्या बोलो, कहते एक है हरिनाम और एक है जो ठाकुर जी की जो विग्रह है, ये जो ठाकुर जी का विग्रह दर्शन लड्डू गोपाल घर में राधा कृष्ण हैं, कहते एक तो मैं नाम रूप में कलि युग में आऊंगा और दूसरे रूप में ये जो विग्रह रूप में मैं आऊंगा कलि युग में है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा पूजा करते हैं, जो व्यक्ति ठाकुर का नाम करते हैं, मानो ये साक्षात भगवान को साथ में साक्षात्कार है, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र और यहा जप गया सबे करिया निर्बंध, कहते हरिनाम को कैसे करनी चाहिए, बोले नियम से करो, ऐसे नहीं आज इच्छा हो गया थोड़ा मला कर दिया, कल इच्छा नहीं हुआ मला जहां के तहां लटका, चूहा कभी उसमें बच्चा जन्म दे दे, हाँ इसलिए नहीं, हरिनाम जो करनी चाहिए नियम से करो, हाँ इसलिए बोले नियम से क्यों करे, जब इच्छा तब कर दे, जैसे सेवा करते समय हाथ में सेवा कर रहे हो काम कर रहे हो, जैसे तुम लोग कल हरिनाम कर रही थी, इसको तो करो अच्छी बात है, भगवान का नाम करो मुंह में, हाथ में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो, इसको तो लेनी ही चाहिए। लेकिन जो माला हम जप करते हैं ना इसमें नियम करके, भगवान खुद कहते हैं इसमें नियम करके करो, बोले नियम से क्यों करे, नियम से क्यों करे, जब इच्छा तब कर ले, बोले नहीं। इसलिए उदाहरण दिया है जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है, बात मत करो ए, इस समय सारी याद आती तुमको, चुपचाप बैठो। इसलिए कहते हैं जैसे किसी बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन पढ़ाई का नाम पर तो स्कूल जाता है लेकिन क्या करता, अब स्कूल नहीं जाता, बच्चों को साथ में खेल कूद करके ना शाम को वापस आ जाता है। अब बच्चा कहता है मैं रोज पढ़ने जाता हूँ, और पिता भी खुश, बच्चा रोज पढ़ने जाता है लेकिन बीच में खेल कूद करके घर में वापस आ जाता है, लेकिन वो पढ़ने जाता था ना खेलता था, पता कब चलेगा, जब एग्जाम आएगा, जो पेपर आएगा ना, जो परीक्षा होगी, वो कितने मार्क लाया उससे पता चलेगा ये कितना पढ़ाई किया नहीं किया, उसी समय में इसको पता चलेगा। कहते उसी तरह
हम भगवान भक्ति में हम बढ़ रहे हैं ना, भक्ति हमारी घट रही है, पता कैसे चलेगा? माला से, ये माला से पता चलेगा है, क्योंकि भगवान कलयुग में, भगवान स्वयं ये नाम रूप में ही ठाकुर जी कलयुग में आए हैं। हरि नाम करना मतलब है ठाकुर को साक्षात्कार, भगवान की सेवा ही, हरि नाम करना मतलब उसकी हम सेवा कर रहे हैं, हैं? इसलिए हमारी भक्ति बढ़ रही ना भक्ति घट रही है, पता कैसे चलेगा? हरि नाम से, हरि नाम से पता चलेगा। इसलिए नियम है जो माला में जो संख्या करके करते हैं उसको तो संख्या पूर्वक रखो, इतना माला रोज हमें करना। और महाप्रभु तो कहते थे, जब मैं उसी दिन बोल रहा था ना, जब महाप्रभु को जब भक्त लोगों ने निमंत्रण दिया, प्रभु आज हमारे घर में भोजन है, महाप्रभु क्या बोले, सबको घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में करते हैं? बोले जो लखपति, आज से 550 साल पहले, लखपति मतलब 1 लाख स्वर्ण मोहर जिसको घर में हो। बोले प्रभु हमारे घर में 1000 भी नहीं, 100 रुपया तक भी नहीं है, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मुद्रा होनी चाहिए, अरे हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे? अरे भगवान क्या बोले, असली लखपति कौन? बोले रोज आना जो 1 लाख ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, वो असली लखपति है, वही असली लखपति है। इसलिए जो माला में जो नाम है ना उसको ठीक से करो, उसको ठीक से करो। और दूसरे समय में फिर तो चलते उठते बैठते हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो, वो तो बढ़िया चीज है, ठीक है। लेकिन संख्या में जो माला करते उसमें फिक्स रखो, इतना माला रोज करेंगे इसको फिक्स रख लो। अगर कभी ज़्यादा कर लिया कोई बुरी बात नहीं, ज़्यादा तो बढ़िया है। जैसे एकादशी आ जाए, एकादशी का दिन नियम है रोज जितने हरि नाम करते हैं उसी दिन थोड़ी सी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जो एकादशी तिथि भगवान की सबसे प्रिय तिथि श्री एकादशी तिथि है। इसलिए यहाँ पर बताए, नाम ही हरि, हरि ही नाम, कहते जो हरि ही नाम है और नाम ही हरि है, हैं? हरि ही नाम और नाम ही हरि, हरि और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। भगवान कितने लोगों का उद्धार किया, कृष्ण राम ज्यादा लोगों को उद्धार नहीं किया, वो अपना भक्तों को साथ में आए लीला करके चले गए। अभी जीवों को उद्धार कौन कर रहे हैं, उन्होंने क्या छोड़ कर गए, अपना नाम को ही छोड़ करके गए। जो व्यक्ति उनके नाम के आश्रय लेता है अभी भी संसार से वो व्यक्ति उधार हो रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हरि ही नाम और नाम ही हरि। एक दिन श्री नारद जी ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी पिताजी है, बोले पिताजी एक बात बताओ। बोले क्या है, शास्त्र कहता है भगवान और उनको नाम में कोई फर्क नहीं, वो एक ही है, हमको कोई प्रमाण दे करके दिखा सकते हो? और भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले देख बेटा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, भगवान के नाम की कौन महिमा गा सकते हैं, कोई गा नहीं सकते। मेरे चार मुख मुंह से मैं कितने ठाकुर जी के नाम की महिमा बताऊं? बोले पिताजी पहले कौन बता सकते हैं? बोले जाओ भोले बाबा के पास में जाओ, मेरे तो चार मुंह है, शंकर जी के 5 मुंह है, पंचानन है ना, और पंचमुख है राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में हर समय भगवान की नाम करते रहते, जाओ शंकर जी को पास में। शंकर जी को पास में गए, शंकर जी बोले देखो मैं तो पंचमुख में प्रभु का नाम लेता हूं, लेकिन अभी तक भी नाम की महिमा में समझ नहीं पाया, मैं कितना नाम की महिमा बताऊं, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। बोले किसको पास में जाए? बोले जाओ मेरे गुरु जी को पास में जाओ। शंकर जी के गुरु कौन है? बोले शंकर जी के गुरु कौन है? ये अनंत देव है। शंकर जी गले में सांप है ना, हाथों में सांप, सांप कौन है? ये अनंत देव है, हैं? इसलिए जो संपूर्ण पृथ्वी को अपना सर के ऊपर में एक सरसा जैसे धारण करके रखी। बोले जाओ मेरे गुरु जी को पास में जाओ, मेरे गुरु जी बताएंगे। गए अनंत देव को पास में, अनंत देव ने कहा देखो मैं अनंत काल से अनंत भगवान के नाम की अनंत महिमा को मैं तो गा रहा हूं, लेकिन अभी तक भी प्रभु की कोई था मेरे को मिला ही नहीं, इसलिए प्रभु के नाम की मैं महिमा कितना बताऊं। बोले फिर कौन बताएगा? बोले एक काम करो,
तुम धर्मराजा को पास में जाओ। धर्मराजा कौन है? यम महाराज। उनको धर्मराज क्यों कहते हैं? बोले जीव जो कर्म करता है वो कर्म को एकदम तराज में नाप तोल करके देते हैं, एकदम थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं होता है। हमने जैसे जैसे कर्म की वो कर्म के अनुरूप धर्मराज एकदम तराज में नाप तोल करके देते हैं, इसलिए उनका नाम धर्मराज है। हाँ, इसलिए बोले धर्मराजा को पास में जाओ। धर्मराजा को पास में गए तो उन्होंने बोला आप मेरे को ये बताओ, भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं, कोई प्रमाण करके हमें दिखा दो। बोले एक काम करो, तुम दक्षिण दिशा में चले जाओ, क्योंकि उनकी चार पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। बोले दक्षिण दिशा में कौन है? बोले जैसे जैसे पापी पाप कर्म करता है वो पाप के अनुरूप उसको फल भोगना पड़ता है, वो 84 नरक वहां पर है। जब उन्होंने वहां पर गए, जो जैसे जैसे कर्म करता था, जो शराब पीते थे उसको मुंह में तो लोहे को गला करके डाल रहे थे, बोले भगवान तेरे को जीवा किस लिए दिया था? ये शराब पीने के लिए दिया था? हैं, गंधा काम करने के लिए दिया था? इसलिए मुंह में लोहे को गला करके डाल रहे थे, जो इन्हीं आंखों से उल्टा पुल्टा सब गंदी गंदी चीज देखता था, बोले आंख किस लिए दिए थे? भगवान की रूप का दर्शन करने के लिए, गंदी गंदी चीज देखने के लिए दिए थे, उसको आंख निकाल रहे थे। जो जीवन में मांस मछली खाए उनको तो करत में जिंदा काट रहे थे उनको, हैं, और जो मछली को तेल में छोंक कर खाते थे उनको सीधा एकदम खोलते हुए तेल में जैसे पकौड़ा बनाते हैं ना, उनको पकौड़े जैसे बना रहे थे, हैं। इसलिए ये तराज में जो हेर फेर करते थे उसको हाथ काट रहे थे। मतलब जीव जैसे जैसे कर्म कर रहा था वो कर्म के अनुरूप वहां पर जीव को दंड दी जा रही थी, और वो लोग तो चीख रहे थे और नहीं करेंगे, छोड़ दो जोर जोर से चीख रहे थे। इतने में नारद जी से कुंड बना हुआ ना, नारद जी ऐसे झांके, झांक करके देखा, इतने कष्ट भोग कर रहे हैं, इतने कष्ट, उसको देख करके नारद को तो कांप उठे। इतने में नारद जी बोले से वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो, माता है मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, जोर से बोलो, बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तब उन्होंने नारद जी जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जब उन्होंने ठाकुर जी का नाम लिया ना, भगवान उनका नाम में कोई फर्क नहीं, अभी उनकी कानों में जो नरक में जो भोग कर रहे थे उनको कानों में ये आवाज गया, और आवाज जाते ही भगवान उनका नाम में कोई फर्क नहीं, जब उनको कानों में ठाकुर जी का नाम पड़ा ना, वो सारे पाप से मुक्त हो गए, सारे पाप से मुक्त होकर के सीधा वैकुंठ चले गए, ठाकुर जी को धाम में चले गए। इतने में यम महाराज ने कहा, देख लिया भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, केवल ठाकुर जी का नाम ही कान में पड़ते ही सबके सब मुक्त होकर के वैकुंठ चले गए। समझ गए कि नहीं? बोला हाँ समझ गया है, समझ गया है। इसलिए हम लोग जो हरि का नाम लेते हैं, ठाकुर जी का जो नाम लेते हैं, क्या है? भगवान से भी बढ़ करके भगवान की नाम है। इसलिए साधारण भाग्य से किसकी मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलता है, बड़े पुण्यात्मा जो है उनकी मुंह से प्रभु जी की नाम निकलती है, नहीं तो बैठ करके इधर उधर बहू बेटिया की बात कर लेंगे, लेकिन ये बोलो थोड़ा हरि नाम कर, बोले समय कहाँ है? हमारा पास समय कहाँ हरि नाम करने के लिए? अगर बहू बेटी सास की जो चुगली करते हो उससे तो बढ़िया मीठा स्वाद चीज जगत में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? इसलिए क्या करो, समय हो तो इधर उधर की बात नहीं करके भगवान की नाम को जप करनी चाहिए। इसलिए यहाँ कहते हैं, कहते भगवान का जो नाम है, अप्राकृत वस्तु परिपूर्ण वस्तु तिनी सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं, अप्राकृत नाम है स्वयं वस्तु नामी। इसलिए यहाँ पर कहते जो भगवान को जो नाम में समस्त शक्ति ठाकुर जी की नाम में विद्यमान है, वो पूर्ण वस्तु भगवान का नाम है। कहते श्री नाम स्वतः प्रकाश वस्तु,
इसलिए अप्राकृत नाम है स्वयं नामी, अप्राकृत नाम है रूपी, अप्राकृत नाम है गुणी, अप्राकृत नाम ही परी करभान, अप्राकृत नाम ही लीलामय। कहते ये जो भगवान का जो नाम है, कहते ये क्या है भगवान का नाम, कहते भगवान का जितने नाम रूप गुण लीला सब ठाकुर जी का नाम है विद्यमान, सबके सब है। इसलिए हमारे भागवत में बताए एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुतचित उच्च। यहाँ पर कहते हैं जीवन में व्रत क्या बनाओ, बोले भगवान के नाम। जैसे हम लोग व्रत रखते हैं ना, कोई व्रत को हैं कहते नहीं आज हम व्रत रखें, सारा दिन भोजन नहीं करेंगे, सारा दिन हम भोजन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। इसलिए उसी तरह जीवन में व्रत रखना, तो किस चीज की व्रत रखो, बोले ठाकुर जी का नाम। दिन भर क्या करेंगे, ठाकुर जी की नाम जप करेंगे। लेकिन भगवान का नाम तो बड़े मीठा है, बोले मधुरम मधुरम तत् मंगलम मंगला नाम। भगवान का जो नाम है वो मीठे से भी मीठे हैं और मंगल से भी मंगल है भगवान का नाम। जितने वेद पुराण उपनिषद अगर इसको मंथन किया जाए, अगर उसमें मक्खन निकलेगा तो क्या, ठाकुर जी की नाम, ठाकुर जी की नाम। अगर जीवन का सब कुछ अगर प्रभु का नाम बना दिया ना, बेड़ा पार है, तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगी। लेकिन देखना, उदाहरण देते हैं, आप लोग मिश्री खाए हो, कौन कौन मिश्री खाए, सब मिश्री खाए, आइए बताओ मिश्री मीठा ना कड़ुआ है, मीठा है। लेकिन ये मिश्री किस किस को कड़ुआ भी लगता है, बता सकते हो किसको कड़ुआ लगता है, अरे बोलो, नहीं, किसको कड़ुआ लगता है, किसको कड़ुआ लगता है, जिसको जंडिस का बीमारी हो जाए, जिसको पीलिया की बीमारी है जाए ना, देखना जो कुछ वो खाएगा सब कुछ उसको कड़ुआ कड़ुआ लगेगा। लेकिन मिश्री की कड़ुआ है नहीं, मीठा है। लेकिन कड़ुआ क्यों लगता है, तुम्हारी जीवा हो गया, क्या हो गया, कड़ुआ हो गया तुम्हारी जीवा, बीमारी है। इसलिए पहले पहले क्या होता था, इतने कोई दवा हवा नहीं होता था, डॉक्टर बोलता था देखो बेटा मिश्री चूसा कर, लेकिन मिश्री तेरे को मीठा नहीं लगेगा, कड़ुआ लगेगा, लेकिन छोड़ना नहीं, चूसते रहना, चूसते 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 क्या होगा, तुम्हारी जो कड़ुआपन धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। जब खत्म होते जाएगी, जब मिश्रित में मीठा लगने लग जाए, समझना तुम्हारी बीमारी सही हो गई, बीमारी तुम्हारी सही हो गई। उसी तरह कहते हैं जो भगवान का जो नाम है ये मीठे से भी मीठे। लेकिन अभी बोलो अच्छा माला लग रहे बैठे, मन लगेगा नहीं, मन ऊंचा तो कब उठो, कब माला खत्म नहीं हो रही, माला खत्म नहीं हो रही है, हा? मन हा? जैसे खुजली लग जाएगी, कब खत्म हो माला। लेकिन इधर उधर की बात हो ना, बड़ी मीठा लगेगी है। यदि अन्य कथा पाओ आटिया साटिया का हो, अगर किसी ने बोले हमने बड़ा 10 अद्भुत देखा था, मैंने बोले मैं 20 अद्भुत देखा था, मतलब मैंने इतना बड़ा सांप है मैंने भी देखा था, देखना जोश आ जाएगी है। लेकिन बोले तो प्रभु का नाम जप करो अच्छी नहीं लगती, क्यों, कारण क्या, बोले पाप है, क्या है, हमारी पाप है, वो जो पाप ही है ना। इसलिए कल बता रहे थे ना, जब नारद जी वाल्मीकि को बोले दशरथ ना करो, बोलो राम बोलो, लेकिन उसके मुंह से राम का नाम निकला, क्यों, पापी है ये, पापियों का मुंह से ठाकुर का नाम नहीं निकलती है, पुण्यात्मा का मुंह से ठाकुर जी की नाम निकलती है। लेकिन प्रभु का नाम लेते लेते उदाहरण देते हैं, जैसे मिश्री चुस्ते 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 क्या होता है, सारी तुम्हारी जैसे बीमारी खत्म हो जाती है, भगवान का नाम भी क्या करो, अच्छा नहीं लगने पर माला ले और बैठो, क्या करो, माला लेकर क्या करो, क्या करोगे, बैठो, बैठ करके मन नहीं लगने पर बैठो, बैठ करके आदर करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम करो, हरे नाम को करो, जोर करके करो। जैसे बच्चे बच्चे को जब स्कूल भेजो, पहले जाते हैं बच्चे, नहीं, रोते हैं, हम स्कूल नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन पिता माता क्या करते, जोर जबरदस्ती पकड़ करके जाते, बोले तेरे चल तेरे साथ में मैं चलती हूँ, और लेकर के स्कूल में जा करके बच्चे को साथ में पिता माता बैठ जाते हैं, बैठ करके जब 2-4 दिन जाता है ना, वहाँ बराबर बराबर उम्र के बच्चे होते हैं, वहाँ पर बराबर उम्र के बच्चे होते हैं। अभी ऐसे करते करते बच्चे का मन धीरे धीरे लगने लग जाता है, स्कूल में लगना लग जाता है,
करते करते जब कुछ चुन जाएंगे ना, बच्चा अपनी आप जाने के लिए तैयारी होता है। क्यों? बराबर उम्र के बच्चे हैं, फिर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। पढ़ने चाहते हो बच्चे? पेपर आ जाए, पिता माता क्या बोल, देख पेपर आ गया, पढ़ो, ट्यूशन जाओ, अपना होमवर्क करो। लेकिन बच्चे करना चाहते? नहीं करना चाहते। लेकिन वही बच्चा पढ़ते पढ़ते जब थोड़ा ज़्यादा उम्र हो जाता है ना, क्लास 10 9 में आ जाता है ना, अगर देखेगा भैया उसका मार्क इतना है, हमें इतना मार्क, हमें इतने मार्क हमारे आनी चाहिए, फिर बच्चे को पढ़ने का बोलने का जरूरत नहीं, बच्चा अपने आप पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन वही बच्चा पहले स्कूल जाने में रोता था, पढ़ने नहीं चाहता था, पिता माता जोर करके पढ़ाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने आप सब करने लग जाते हैं। कहते उसी तरह जो भगवान का जो नाम है, इच्छा नहीं रहने पर भी क्या करो, माला लेकर के बैठो, माला लेकर के बैठो, और बैठ करके आदर पूर्वक हृदय से भगवान के नाम को लो। ऐसे करते 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 जब रुचि हो जाएगा ना, बस जरूरत नहीं, इनको बोलना पड़ता है हरि नाम करने के लिए, इनको माता जी को बोलना पड़ता है। माला लेकर दिन भर बैठे, बड़े हो गए ना, समझ गए नाम का रस आ गया है, नाम की रस आ गया है। इसलिए ऐसे करते करते क्या होगा, धीरे धीरे हृदय तुम्हारी सांप होने लग जाएगा, हृदय तुम्हारी सांप होने लग जाएगा। इसलिए महाप्रभु कहते चेत दर्पण मार्जनम, हरि नाम करने से भगवान कहते तुमको 7 फायदा होगा। कितना फायदा होगा? हाँ बोलो, क्या फायदा होगा? अभी हमारे प्रभु जी बोलेंगे, इस श्लोक को बोलो अच्छे तरह से, लो इधर आ जा, इधर खड़े हो जा, बढ़िया से बोलना, ये इसको इस तरफ में कर दो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाज्ञानं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग हरि नाम की महिमा सुन रहे हैं, और उसके अंदर विशेष करके श्रीमन महाप्रभु, उन्होंने शिक्षाष्टक एक ग्रंथ लिखा, महाप्रभु ने उसके अंदर बताते हैं कि हरि नाम करने से क्या होगा। महाप्रभु कह रहे हैं जो व्यक्ति हरि नाम करेगा उसको 7 लाभ होंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, कह रहे हैं हमारा चित्त, एक चित्त हमारा जो चित्त है, चित्त को उदाहरण दिया एक शीशे के साथ में। एक शीशा यदि देखोगे किसी घर, कोई घर काफी समय से बंद है, उसके अंदर धूल मिट्टी सब जा रही है, तो वहां पर जो शीशा लगा होता है ना, शीशा भी मैला हो जाता है, और उस मैले शीशे के अंदर यदि आप अपनी छवि देखने की चेष्टा करोगे, दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो मैला हो गया है। तो हमारा चित्त भी उसी प्रकार एक दर्पण की भांति है, और हमारा चित्त भी मलिन हो गया है। हमारे चित्त के अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कितनी सारे गंदगी विराजमान है। अभी जब ये चित्त मलिन है तो इसके अंदर हमें भगवत दर्शन नहीं होगा, भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती। तो अगर हम ये हरि नाम करेंगे, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम करने से क्या होगा, हमारा चित्त धीरे 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 मार्जित होगा। एकदम से नहीं होता, देखो गंदगी अगर बहुत ज्यादा जमी हुई हो तो आप एक बार कपड़ा मारोगे, थोड़ी गंदगी हटती है, फिर वापस थोड़ा पानी मार के फिर कपड़ा मारोगे, फिर थोड़ी गंदगी हटेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार नाम जप किया और उससे ही पूरा साफ हो गया चित्त। धीरे 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 जैसे 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 हम लोग भगवान का नाम करेंगे, अनुदिन जैनो तव नाम गाई क्रमित कृपाए तव, कह रहे हैं धीरे 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 भगवान का नाम जैसे हम जप करेंगे, वैसे वैसे ही हमारा चित्त साफ होता रहेगा और हमें भगवान की अनुभूति होगी। चेतो दर्पण मार्जनम। फिर कहते हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये जो भव सागर है, ये संसार, इस संसार को क्या बताया, अग्नि के समान, दावानल के समान। दावानल मतलब क्या होता है, देखो वन में जैसे बांस का जंगल होता है ना, बांस के जंगल में गर्मी के समय में क्या होता है, अपने आप ही बांस में घर्षण होता है और उससे आग जल जाती है, और इतनी विशाल आग लग जाती है उसको फायर ब्रिगेड भी बुझा नहीं सकती। ये संसार को भी बताया उसी के समान ये दावानल है, सब इस दावानल के अंदर दग्धभूत हो रहे हैं, सब जल रहे हैं, है ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई पीवी से, कोई बच्चों से, कोई परिवार से, कोई पड़ोसी से, कोई और मान लो ये चीजें ना हो तो कोई बुढ़ापे से, कोई रोग से, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि, भौतिक आदि, देविक आध्यात्मिक, कभी भूकंप आ गया तो कभी कोरोना आ गया, है ना, ये सारी बीमारियों से हम सब इस संसार में जल रहे हैं, हम दग्धीभूत हैं।
लेकिन इससे हमको उद्धार कौन करेगा? कहते हैं भगवान का नाम। ये जो अग्नि जल रही है, आप देखो जंगल में जब आग लग जाती है, उस दावानल को शांत करने के लिए एकमात्र वृष्टि ही काम करती है। जब वर्षा होगी, जब बारिश हो जाती है, तब जाकर वो आग शांत होती है। फायर ब्रिगेड भी उसको बुझा नहीं सकती। उसी प्रकार इस संसार में जो हमारे सबके हृदय जल रहे हैं, कामनाओं वासनाओं से हम पीड़ित हैं, सारे आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक रोगों से हम पीड़ित हैं, तो उसकी अग्नि को शांत कौन करेगा? ये भगवान का नाम। ये भगवान का नाम ही हमें शीतलता प्रदान करके उस आग को शांत करेगा। भव दावा भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। कहते हैं चंद्रमा की किरण से एक जो फूल खिलता है ना, कुमुदनी, आपने देखा होगा कुमुदनी, रात्रि में एक फूल खिलता है कुमुदनी। चंद्रमा की किरण जब उस पर पड़ती है, तब जाकर वो फूल प्रस्फुटित होता है। हमारे हृदय रूपी कुमुदनी भी भगवान के नाम रूपी चंद्रमा से वो क्या होगा? प्रस्फुटित हो जाएगा। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। कहते हैं बड़े हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण करी है, कोई MA PhD डॉक्टरी सब शिक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन यदि हमने भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया तो सब जीरो है, सब जीरो है। विद्या को बताया विद्यावधु, विद्या को एक बहू का उदाहरण दे रहे हैं, विद्यावधु जीवनम। इस विद्या का जीवन क्या है? भगवान का नाम। इस भगवान का नाम ही इस विद्या का, अगर विद्या पढ़ी है और उसकी सार्थकता किसमें? भगवान का नाम यदि ग्रहण किया। लेकिन बहुत सारी शिक्षा ग्रहण कर ली, तब पर भी भगवान का भजन में यदि रुचि नहीं हुई, कहते तुम्हारी विद्या का कोई लाभ नहीं। एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करो। एक समय पे क्या था, एक नाव के अंदर एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक वकील, ये तीनों लोग जा रहे थे। अभी नाव वाला नाव चला रहा था, सबसे पहले इंजीनियर ने नाव वाले से पूछा कि तुम्हें इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता है? बोले मुझे इंजीनियरिंग के बारे में क्या पता, मैं तो अपना नाव चलाता हूँ, 2 पैसे जो मिलते हैं उससे खा के अपना घर पालन करता हूँ। इंजीनियर तब उससे कहने लगा कि तेरा तो 25% जीवन व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया, तुझे इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता? बोले नहीं। बाद में डॉक्टर पूछने लगा, बोले तुझे डॉक्टरी के बारे में कुछ पता है? बोले नहीं, मुझे डॉक्टर के बारे में क्या पता, मैं तो अनपढ़ गंवार, अपना नाव चलाता हूँ, थोड़ा जो पैसा मिलता है उससे पेट पालन कर लेता हूँ। बोले तेरा तो 50% जीवन व्यर्थ चला गया। अभी वहां पर वकील था, वकील ने पता, वकालत के बारे में कुछ जानता है? बोले नहीं, वकालत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, अपनी नाव चलाता हूँ, रोजगार जो मिलता है उससे पेट पालन करता हूँ। बोले तेरा 75% जीवन व्यर्थ चला गया। अभी थोड़े समय में नाव जब बीच मझधार में पहुंची, नाव के अंदर हो गया छेद, पानी घुसने लग गया। तब नाविक पूछने लगा, बोले तुम लोगों को तैरना आता है? तुम लोगों को तैरना आता है? इंजीनियर डॉक्टर वकील सब बोले, बोले हमको तो तैरना ही आता। बोले मेरा तो 75% जीवन व्यर्थ गया था, तुम्हारा तो 100 का 100% अभी व्यर्थ जाएगा। नाविक ने वहीं पर जो है छलांग लगाई तैरते हुए और पार हो गया, वो तीनों के तीनों डूब गए। हम लोग भी इसी प्रकार बहुत इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, लॉयर बन गए हैं, लेकिन जो सच वस्तु है भगवान का नाम, अगर उसका आश्रय नहीं लिया तो हम भी इस भव सागर में डूब के मर जाएंगे। इससे पार होने का एकमात्र सहारा क्या है? भगवान का नाम। इसलिए कहते हैं निताई ना बलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे विद्या कुले की करी बतार। कहते हैं भगवान का नाम यदि ग्रहण नहीं किया, सदगुरु का चरण आश्रय करके यदि भगवान के नाम को ग्रहण नहीं किया, तो तुम्हारे विद्या का, तुम्हारे कुल का आखिर क्या लाभ है? बड़े उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म भी मिल गया, बड़ी अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर ली, लेकिन भगवान का नाम जो है वही सब शास्त्रों का सार है। अगर इस बात की अनुभूति नहीं हुई तो इसका कुछ लाभ नहीं हुआ। इसलिए कह रहे हैं विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम। और एक लाभ बताते, पांचवा लाभ बता रहे हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम। कहते हैं इस जड़ जगत का जो आनंद है, आप देखो सर्दी का समय हो और उस समय पे गरम गरम पकोड़े चटनी के साथ में खाने को मिल जाए, मजा आता है कि नहीं? आनंद लगता है ना? उसी में साथ में मान लो केसर वाला दूध मिल जाए, तब तो और भी वाह वाह। तो लेकिन जब तक पेट नहीं भर रहा, तब तक ही ये पकोड़े, तब तक ही ये दूध अच्छा लगेगा। एक बार जब पेट भर गया, उसके बाद में भले ही आपको 56 भोग ही क्यों क्यों ना दो दे, अच्छा लगेगा। रसगुल्ला खाने में बड़ा अच्छा लगता है, बैठ जाओ माता जी, रसगुल्ला खाने में कितना बढ़िया लगता है। एक खाओ बोले बहुत बढ़िया है, दो खाओ बोले अच्छा है, तीन खाओ बोले ठीक है,
चार खा लो, बोले बस और नहीं। पांचवा अगर कोई जबरदस्ती खिला भी देगा तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगी। इस जड़ जगत का जो भी आनंद है सब ऐसा ही है, पहले बड़ा आकर्षक लगता है लेकिन धीरे 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 क्या होता है, घटता जाता है, घटता जाता है। शादी जब होती है ना, पत्नी मानो लगती है चंद्रमुखी जैसे, हमारे गुरुजी बताते हैं पहले लगती है पत्नी चंद्रमुखी, बोले एक चांद तो आकाश में है और एक चांद मेरे पास में है। थोड़े समय बाद में जैसे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बोले चंद्रमुखी नहीं ये तो है ज्वालामुखी, सूर्यमुखी। चंद्रमुखी से होती सूर्यमुखी और सूर्यमुखी से फिर ज्वालामुखी, फिर कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, ये सारे। इस जड़ जगत का कोई भी आनंद देख लो सब ऐसा ही है, लेकिन भगवान के नाम का पूरा विपरीत है। भगवान के नाम में जो आनंद है वो क्या है, आनंदम बुद्धिवर्धनम, वो आनंद वर्धित होता रहेगा। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, पद पद पर एक नए नए आनंद की अनुभूति होगी। भगवान का नाम जो एक बद्ध जीव है उनके लिए तो क्या करेगा, एक औषधि रूप में काम करेगा, लेकिन धीरे 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 जैसे हमारे हृदय से अनर्थ दूर होंगे तब क्या होगा, हमें भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का स्मरण होगा, वो लीलाएं हमारे हृदय में आएंगी और जब हम भगवान की लीलाओं का दर्शन करेंगे तब एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होगी। तो कहते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, पद पद पर एक नए नए आनंद की अनुभूति होगी। इस संसार के आनंद की प्रति समान नहीं जो कि क्षण क्षण घटता रहे। फिर सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसलिए क्या करो, भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करके और अपना जीवन सार्थक कर लो। श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं जो व्यक्ति हरि नाम करेगा उसको ये सारे लाभ मिलेंगे। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रभु जी हमारे, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी खड़े हो जाओ। तो कल हम लोग जो भागवत में जो कथा सुन रहे थे, जब व्यास देव जी ने समस्त ग्रंथों को रचना की, लेकिन रचना करने के बाद जब उनको शांति नहीं मिली है, तब श्री नारद जी आते हैं और शांति क्यों नहीं मिली इसका कारण को नारद जी बताते हैं। फिर बता करके श्री नारद जी, अगर जीवन में किसको शांति पाना है उसको जीवन में शांति कैसे मिल सकती है, कहते जब तक संतों की कृपा नहीं होना तब तक जीवन में शांति नहीं मिले। इसलिए कहते बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसलिए जब तक भगवान राम की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में संत नहीं मिलते हैं, और जीवन में जब तक संत नहीं मिलते हैं ना हमें ज्ञान ही नहीं होता है। इसलिए श्री नारद जी फिर अपना आत्मचरित्र को बताते हैं, अगर वास्तव रूप में जीवन में कोई शांति पाना चाहते हैं उनको करनी क्या चाहिए, कैसे जीवन में साधु संग होता है, कैसे सत्संग से कैसे प्रभु की कथा सुनते हैं, भक्ति में कैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं। फिर नारद जी अपना जीवन चरित्र को सुना करके कहते हैं, देखो जीवन में मैं इतने बड़े संत कैसे बन गया, सारा दुनिया में मेरी पूजा क्यों होती है, स्वर्ग में जाओ देवता भी कहते गुरु जी आ गए, कंस के पास में जब राक्षस के पास में जाए बोले गुरु जी आ गए, जब देवता के पास में आए बोले गुरु जी आ गए, जब इंसान के पास में जाओ गुरु जी आ गए, साजुरी में जो गुरु जी कहीं भी जाओ ना, नारद जी की सब जगह में नारद जी की पूजा होती है, हैं सब जगह में। इसलिए नारद जी अपना आत्मचरित्र सुनाए, इसलिए कल समय नहीं था इसलिए हम बोल नहीं पाए, अरे हमारे प्रभु जी मधुकंड प्रभु जी आपको बोलेंगे श्री नारद जी कथा सुनाएंगे।